हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। आपको मैंने पहले भी बताया है, अभी भी बताने जा रहा हूँ कि ऑलवेज इस चैनल पे आपको हमेशा इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स। अब इंजीनियरिंग जॉब अपडेट्स किस किस की दोस्तों, मेरे लिए जो प्रायोरिटी है वो 99% जो प्रायोरिटी है वो है फ्रेशर वाले। फ्रेशर मतलब जो 2021 में पास आउट हुए हैं, 2022 में हुए हैं, 2020 में हुए हैं, 2019 में हुए हैं, या फिर एक्सपीरियंस वाले वो, क्योंकि एक्सपीरियंस वालों के पास ऑप्शंस होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, उनके जानने वाले होते हैं, उनके दोस्त होते हैं, उनका फील्ड होते हैं। तो इस वजह से, और मैं फ्रेशर को प्रायोरिटी इसलिए देता हूँ क्योंकि अभी बिल्कुल फ्रेश पास आउट है, उनके मार्केट में भी कॉन्टैक्ट नहीं है और इंडस्ट्री में भी कॉन्टैक्ट नहीं है, दैट्स वाई मेरा उनका उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। और ऑलवेज मैं बोलता हूँ कि फ्रेशर के लिए ऑलवेज जॉब आती रहेगी। दोस्तों ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसको अप्लाई कैसे करना है, इसमें आगे कैसे बढ़ना है, सभी के बारे में बात करेंगे। बस आप जो है वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपसे एक बात बोलना चाहता हूँ। अभी कुल एंड कुल आपको पता है कि कितना अच्छा व्यूज जाता है, बट आपको जान के बड़ा ही अजीब लगेगा जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, कुल 45 से 55% बंदों ने ही सब्सक्राइब किया है। ऐसा क्यों? देखिए मैं आपकी ऑलवेज हेल्प के लिए खड़ा हूँ, ऑलवेज आपके लिए खड़ा हूँ, तो आप सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हैं दोस्तों? तो आपको खाली क्या होगा सब्सक्राइब करने में, सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो उससे क्या होगा यार, आपके सब्सक्राइब करने से ना हमें मोटिवेशन मिलती है, हम आपके लिए अच्छी अच्छी जॉब ला पाते हैं। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं ना, तो आपको देखिए आपको जॉब मिल जाए, आप अच्छे कैरियर पर प्लेटफॉर्म पर पहुँच जाए, तो आप वैसे भी नहीं देखने वाले हैं, बट अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो शायद आपकी वजह से आपके दोस्त तक पहुँच जाए। तो खाली इसीलिए वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जो वो रेड बेल का बटन है उसको दबा दीजिएगा। इसके साथ साथ ये वैकेंसी किस किस के लिए, सभी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, डिप्लोमा और बीटेक दोनों के बारे में मैं बात करता हूं ऑलवेज, सिर्फ यहां नहीं ऑलवेज हमेशा ही बात करता हूं। तो इसीलिए जो फ्रेशर है कैंडिडेट या फिर एक्सपीरियंस है उन सब के लिए बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये जो वैकेंसी है ये है क्योलिस हैदराबाद MRTS में, मतलब हैदराबाद मेट्रो के अंदर ये वैकेंसी आई हुई है, हैदराबाद मेट्रो रेल के अंदर, और हायरिंग कर रहे हैं ये। ये मैंने पहले भी अपडेट दिया था बट बीच में ये वैकेंसी क्लोज हो गई थी। अभी इनके पास दूसरा प्रोजेक्ट आया है क्योलिस के पास, ये हैदराबाद की जो मेट्रो है मेन उसके कॉन्ट्रैक्टर हैं, और इनडायरेक्टली ये रैपिड जो मेट्रो होती है उनके हैं। इसमें कौन कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, इसमें डिग्री और डिप्लोमा होल्डर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इसके साथ साथ CS IT और सिविल, ये सभी ब्रांचेस एलिजिबल है। अब आप दोबारा बोलेंगे कि कौन कौन, जी हाँ, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। अब आप बोलेंगे यहाँ तो कहीं मेंशन नहीं है सिविल वाले, जी हाँ मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे रेलवे हो, हाईवेज हो, विदाउट सिविल से स्टार्ट नहीं हो सकता है। पहले जब यहाँ वैकेंसी आई थी तब भी बंदों ने यही क्वेश्चन किया था, इसीलिए मैं आपसे पहले ही बता दे रहा हूँ कि यहाँ जो है पहले भी सिविल नहीं था, बट सिविल का बहुत अच्छे हाई स्केल पे सिलेक्शन हुआ है। अब हो सकता है कि इनका कॉपी पेस्ट हो, दैट्स वाई ये ना ले रहे हो, बट यहाँ से बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इसमें अप्लाई कैसे करना है, देखिए मैं आपको दो तरीके बताऊँगा जिसमें आप डायरेक्टली यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, और ऑलरेडी इनकी वेबसाइट खोलेंगे तो आपको डायरेक्टली पता ही चल जाएगा। तो आपको करना क्या है, देखिए दो, एक तो ये है कि kyolishhyderabad.jobs@kyolishhyderabad.com पे आपको मेल करना है। मेल कैसे करना है उसके बारे में भी बात करेंगे, क्या कॉपी करना है, कैसे आपको मेल करना है, उसके सब के बारे में बात करेंगे। और दूसरा क्या है कि आपको अपना CV शेयर करना है। CV कैसे शेयर करना है, जब आप यहां क्लिक करेंगे तो ऑलरेडी वो आपका डायरेक्टली मेल सेक्शन में ले जाएगा। तो मेल में क्या लिखना है, सबसे पहले मैं आपको वो बता देता हूं, आपको भेजना है कवर लेटर के साथ। कवर लेटर कहां मिलेगा, कवर लेटर के बारे में मैं आपको बता देता हूं। कवर लेटर के लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। ये आ गया हूं मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे क्यों आया हूं, क्या बताने आया हूं आपको, क्या आपके काम की चीजें रहने वाली है। दोस्तों आपको नजर आ रहा होगा मैंने अभी 2 दिन पहले ही जिंदल के लिए डाला था, भाई मुझे भी कंफर्मेशन मेल आ गया है वहां से, थैंक यू सर, GET ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी से विंध्या नगर प्लांट मिल रहा है भाई। तो मैंने इसको कॉन्ग्रेट्स किया है। मेरा ये आपको दिखाने का मतलब ये नहीं है कि भाई का नाम करना है, सैयद फैजल का नाम करना है, मेरा दिखाने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप अप्लाई करेंगे तो आपका भी रिप्लाई आएगा। आपकी लास्ट ऑप्शन, लास्ट अपॉर्चुनिटी कब आपकी कामयाबी का कारण बन जाए, इसीलिए आपको इतना बोलता हूं कि अप्लाई करते रहें। जितना आप अप्लाई करेंगे उतने ज़्यादा रिप्लाई आने के चांसेस होते हैं। इसके साथ साथ आपको कवर लेटर, कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर आपको साफ साफ
मेंशन कर दिया है। प्लस रही लिंक की बात, सबको प्रॉब्लम होती थी लिंक से कि लिंक कहाँ मिलेगा, लिंक कहाँ मिलेगा। आपको अब डिस्क्रिप्शन में एक वेबसाइट का लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको सिर्फ आपके लिए मैंने 1 से 2 दिन के अंदर रेडी करवाई है वेबसाइट। मेरे को शौक नहीं था कि आपको टेलीग्राम चैनल पर लाऊँ, लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम थी, बार बार वहाँ से हट जाता था। बट अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, फ्यूचर में सारे लिंक आपको डायरेक्टली प्रोवाइड हो जाएंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे यहाँ रिज्यूम का फॉर्मेट भी है, प्लस आपको कवर लेटर का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। कवर लेटर क्या होता है, अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, उसको बोलते हैं कवर लेटर। तो जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है, आज से टेलीग्राम चैनल फॉलो कर ले, लिंक जो है सबका डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके साथ साथ आपको फिर आना है मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको सबसे पहले तो मैं लिंक का, जो बहुत बंदों को लिंक का इश्यू आ रहा है, वो टाटा स्टील अप्लाई इंक, देखिए कोई भी लिंक मैं ऑलरेडी जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करता हूं, वो आप क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाएंगे। और जब इस पेज पे आएंगे तो टाटा स्टील में ये वैकेंसी निकली हुई है, ज्यादा किसी ने अप्लाई नहीं किया है तो आप जरूर अप्लाई कर दें, तो लिंक आपको सारे मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आपको किसी का भी सिलेक्शन होता है, मैं उसका अपडेट डालता हूं, बिल्कुल A to Z सारे अपडेट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। अब आप देखिए आपको करना क्या है, कवर लेटर कहां से मिलेगा, आपको ये ऊपर एक पिन मैसेज नजर आ रहा होगा, पिन मैसेज आपको नजर आ रहा होगा, तो आपको क्या कर लेना है, इस पिन मैसेज पे जाना है। जैसे ही आप पिन मैसेज करेंगे तो आपको ये फर्स्ट तो मिल जाएगा आपको रिज्यूम, ये आ गया फ्रेशर और एक्सपीरियंस वालों के लिए, और दूसरा जो आ गया आपको आ गया कवरिंग लेटर। अब कवरिंग लेटर में आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कॉपी कर लेना है यहां से। अब इसमें क्या लिखा है ऐसा कि आपको काम आने वाला है, देखिए कवर लेटर होता क्या, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देना, इसको बोलते हैं कवर लेटर। बट इसको क्या है, आपको अपने हिसाब से मॉडिफाई करना है। मॉडिफाई का मतलब, जैसे यहां 2021 लिखा है, अगर 2022 पास आउट वाले हैं तो 2022 लिख दे। इसके साथ साथ आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स लिख दे। इसके साथ साथ आपने कब कंप्लीट की है वो लिख दे, आपने डिप्लोमा किया है, आपने बीटेक किया है, जो भी है। उसके साथ साथ नीचे रिगार्ड्स में नेम और मोबाइल नंबर जरूर मेंशन करें। इसके साथ साथ आपको क्या और आपके काम की चीज होने वाली है, इसको यहां से कॉपी कर लेना है, और जो आपको मेल आईडी डिस्क्रिप्शन में मिली है उन तीनों को कॉपी करके आपको चलना है मेल सेक्शन में। तो आपको क्या कर लेना है, जो वो आपने 3 मेल आईडी कॉपी की थी उनको तीनों को 2 में डाल देना है। देखिए 2 में आपको क्या है, सबसे पहले जो सबसे पहली मेल आईडी है वो डालिएगा, फिर ब्रैक कोमा देके दूसरी मेल आईडी, फिर कोमा देके तीसरी मेल आईडी। सब्जेक्ट में लिखिएगा रिगार्डिंग वैकेंसी फॉर द पोस्ट, आप सिविल से हैं, मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से हैं, इलेक्ट्रॉनिक से हैं, या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन से हैं। इसके साथ साथ उसके बाद आपको यहाँ डियर सर ऑब्लिक मैम, क्योंकि पढ़ने वाला सर भी हो सकता है और मैम भी हो सकती है। इसके साथ साथ आपको CV ऑफ सेल्फ, इसके साथ आई हेड, अगर आपने कर लिया है और आप परसुइंग है, मतलब अभी 2022 में पास आउट होने वाले, तो आप डिप्लोमा किया, आपने BE किया है, और अपना कॉलेज का नाम लिख दीजिए, आप 2022 में पास आउट है, 2019 में, 2018 में, जब भी पास आउट है लिख दीजिएगा। इफ़ यू हैव एनी वैकेंसी इन योर रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन प्लीज लेट मी नो, अगर आपकी कंपनी में कोई भी अच्छी वैकेंसी है तो मेरे को बताइए मेरे रिगार्डिंग। और आपको यहां कोने में अटैच मेल का ऑप्शन आ रहा होगा, यहां अपना रिज्यूम अटैच कर दीजिएगा। जिसके पास रिज्यूम नहीं है उसे मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर रिज्यूम फॉर्मेट डाला है, जिसको आप जाके इजीली देख सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में टाइप कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आप मेरे को टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं और मेरे से बातें कर सकते हैं। और मैं अगर इसका लिंक टेलीग्राम पे नहीं दे पाऊं तो आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगा, वहां जाके इजीली अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।